मत करिए, मैं इसी बात को लेके आया हूँ। अक्टूबर से लेके अब तक जी बाघ से 17 लोगों की और भालू से एक व्यक्ति की जी, मौत हुई जी, है। पूरा फॉरेस्ट विभाग को, फॉरेस्ट मिनिस्टर को भी, यहाँ के प्रभारी मिनिस्टर को भी हम लोगों ने यहाँ पहले इसलिए भेजा है जी, और उन्हीं सबको देखने के लिए आए हैं जी। पुख्ता व्यवस्था करने जा रहे हैं जी। एक 272 जो गांव है जी, एक तो क्योंकि फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र है जी, तो टाइगर की संख्या बढ़ी है जी। जो अनुमान है हमारा कि ये लगभग 44 से लेके 50 तक टाइगर यहाँ पर हुए हैं जी। दूसरा 272 गांव हैं जो इस रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास हैं जी, तो इन 272 गांवों के लिए कुछ विशेष योजना हम लोगों की चल रही है उसके बारे में। एक वहां प्रत्येक परिवार के पास व्यक्तिगत शौचालय हो, इसके बारे में जिलाधिकारी से कह दिया गया है जी। उनके पास चूंकि उन गांवों का संबंध फॉरेस्ट से इतना नजदीक का होता है कि उनको ईंधन के लिए वहां जाना होता है जी। इस देश से उन लोगों के पास उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनके पास कनेक्शन हो जी, जो भारत सरकार से संभव होगा भारत सरकार से, नहीं तो हम स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी उनके लिए कोई पॉलिसी निकालेंगे उसके अंतर्गत उसको देखें जी। तीसरा फेंसिंग के बारे में क्या हो सकता है जी। चौथा ग्राम प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी, गांव का चौकीदार, फॉरेस्ट और प्रशासन मिलकर के कैसे ऐसी वहां पर अवेयरनेस का कार्यक्रम चला सके जिससे लोगों को वहां पर इन बाघ के हमलों से या जंगली जानवरों के हमलों से बचा सके, इन्हीं सब को देखने के लिए और बाढ़ क्षेत्र का मुआयना करने के लिए मैं यहां पर आया था। वही आकर के सर, डीएम साहब क्यों नहीं जाते? डीएम साहब बात नहीं करती, मीडिया से बात नहीं करती, इसलिए सरकार का पक्ष ही नहीं जा पाता लगातार। बाद में आप लोग आरोप लगाते हैं मीडिया के साथ।